अतिवृष्टि से प्रभावित हुई फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने मुआवजे की मांग की। किसानों ने मुख्यमंत्री से गुजरात की तर्ज पर एमएसपी कानून लागू किए जाने के साथ किसानों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि की सीमा 10,000 रुपए प्रति बीघा किए जाने की मांग को दोहराया। हरिद्वार में लगातार बरसात होने के कारण अतिवृष्टि से प्रभावित हुए किसानों ने फसलों के नुकसान की भरपाई की मांग की है। किसानों ने उत्तराखंड राज्य में एमएसपी कानून शीघ्र लागू किए जाने की मांग को लेकर नुक्कड़ बैठक आयोजित की। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर गुजरात की तर्ज पर एमएसपी कानून लागू किए जाने की मांग की है। देखिए, दो तीन इशू हैं जो हाल ही के अंदर आपने देखा कि अतिवृष्टि के कारण जो है पर्वतीय क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश रुक नहीं रही है। और बारिश अगर आप मैदानी क्षेत्रों के अंदर आप स्वयं भ्रमण करके देखेंगे तो इतना पानी भरा हुआ है जो गन्ने की फसल बोई थी वो सारी सड़ गई है। और सरकार जो मुआवजा दे रही है, जो अनुदान राशि दे रही है, वो पर्याप्त नहीं है। हमारा आपके माध्यम से कहना है सरकार से कि सरकार जो है कम से कम 10,000 रुपये बीघा मुआवजा राशि किसानों को उपलब्ध कराए और तत्काल प्रभाव से कराए। और दूसरा, राज्य के अंदर एक कानून आना चाहिए जिसकी लगातार आपने देखा कि पूरे भारतवर्ष का भी किसान सड़कों पर था, एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य में सारी चीज़ें आ जाएंगी, किसान की उपज आ जाएगी, किसान के जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, उनका जो दूध है उससे लेकर जो किसान की तमाम उपज है, सारी किसानों की जो उपज है वो सारी की सारी समर्थन मूल्य में आ जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।